Good morning, students. Students, we have covered chapter 6 in earlier lecture, and today we are going to do exercise of chapter 6. Okay, so take out exercise of chapter 6. First, assessment zone A part, choose the correct answer. Melting gold to make new earrings is which type of change it is, students? It is a physical change, okay, because it is again and again, it can be again and again changed. Uski shape phir se change ho sakti hai, okay, aur koi new product bhi form nahi hua hai, okay. Next, second, when tomato soup is prepared, dash, no new substance is formed, a new substance is formed, the change can be reversed, it is a physical change. Isme correct answer hoga B, a new substance is formed, right? Third, when mozzarella cheese melts, it is, what is it? It is a physical change, okay? Next, a physical change is always reversible, always irreversible, usually reversible or always desirable. Students, इसमें मैंने आपको बताया था कि physical change generally रिवर्सिबल होते हैं, बट कुछ केसेस में वो इरिवर्सिबल भी होते हैं. मैंने ये भी बताया था किस केसेस में होते हैं, जैसे कि पेपर, व्हेन पेपर इज टीयर्ड एंड व्हेन ग्लास इज ब्रोकन, इन बोथ द केसेस दीज आर इरिवर्सिबल. ओके, सो हियर द करेक्ट ऑप्शन विल बी यूजुअली रिवर्सिबल, मीन्स जनरली रिवर्सिबल होते हैं, बट कभी कभार हो सकता है कि वो इरिवर्सिबल भी हो, राइट? इसीलिए हम ऑलवेज यहाँ पे यूज नहीं करेंगे. नेक्स्ट, फिफ्थ, प्रोसेस ड्यू टू विच स्टीम इज कन्वर्टेड इनटू वाटर. स्टीम इज कन्वर्टेड इनटू वाटर, आई हैव टोल्ड यू द प्रोसेस इज कंडेंसेशन. नेक्स्ट, सिक्स्थ, व्हेन अ कैंडल इज लाइटेड, फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस आर मेड. ये ऑब्जर्वेशंस होंगी, फर्स्ट इज कैंडल बर्न होती है, सेकेंड इज साइज ऑफ द कैंडल रिड्यूसेस, थर्ड वैक्स मेल्ट्स, फोर्थ वन मेल्टेड वैक्स सॉलिडिफाइज. द क्वेश्चन इज विच ऑफ द अबव चेंजेस आर रिवर्सिबल. इनमें से कौन से चेंजेस रिवर्सिबल हैं, स्टूडेंट्स वापस अपनी ओरिजिनल स्टेट में कन्वर्ट हो जाएंगे. सो थर्ड वन वैक्स मेल्ट होती है तो सॉलिडिफाई भी हो जाएगी, एंड फोर्थ वन मेल्ट वैक्स सॉलिडिफाइज, ये वापस रिवर्स हो जाएगा. इट मीन्स दैट ऑप्शन बी, थर्ड एंड फोर्थ ऑप्शंस, दीज आर करेक्ट. मीन्स बी इज करेक्ट ऑप्शन, दैट इज थ्री एंड फोर. बी, फिल इन द ब्लैंक्स, फ्रीजिंग ऑफ वाटर इज एन एग्जांपल ऑफ फिजिकल चेंज. Second, if you could capture all the steam that is made when water is in a kettle boils, you could turn it back to water by. So, correct option for second fill up will be condensation. क्योंकि condensation में ही ऐसा होता है कि हम steam को collect कर सकते हैं, and after collection of the steam, that steam can be converted into water. थर्ड, ड्यूरिंग अ डैश चेंज न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म्ड. केमिकल चेंज, करेक्ट आंसर इज केमिकल चेंज. फोर्थ, चेंजिंग अ स्ट्रेट पीस ऑफ वायर इनटू अ स्प्रिंग इज अ डैश चेंज. यू कैन कन्वर्ट द स्प्रिंग इनटू स्ट्रेट पीस ऑफ वायर अगेन. यहाँ पे स्टूडेंट्स इन्होंने मेंशन किया है कि दोबारा से वो जो स्प्रिंग है उसको हम स्ट्रेट कर सकते हैं. इसका मतलब हम यहाँ पे कौन सा चेंज मेंशन करेंगे, रिवर्सिबल चेंज. फिफ्थ, बर्निंग ऑफ कोल फॉर अ बारबेक्यू इज अ डैश चेंज, दिस इज केमिकल चेंज. नाउ सी पार्ट, हेयर यू हैव टू कंप्लीट अ टेबल, टाइप ऑफ चेंज इज गिवन एंड यू हैव टू राइट डाउन न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड और नॉट फॉर्म्ड, ये आपको बताना है, एंड देन यू हैव टू टेल that this change is reversible or irreversible.
okay? So first one is fogging a mirror with your breath. This is not form, no new substance, कोई नया substance form नहीं हो रहा है. तो first में आप लिखेंगे new substance not formed. तो नीचे आप mention करेंगे not formed, okay? And irreversible और reversible में से आप select करेंगे reversible. Second, breaking a plate, this is not formed, irreversible. So third one, mending a clock, this would be not formed, okay? कोई नया substance form नहीं हो रहा है यहाँ पे, and this is reversible also. Fourth one is frying potatoes for fries, this is formed, एक chemical change यहाँ पे हो रहा है. And this is irreversible. Obviously, जब chemical change होगा तो वो irreversible ही होगा always. Okay? So fifth one, silver coin getting tarnished. Tarnished meaning losing of luster. Means shiny surface lose हो रहा है. So in this case, we will say that it is not formed and this is reversible. Okay? Its shine can be reversed. दोबारा से हम shine को वापस लेकर आ सकते हैं. ठीक है? Next is sixth, mixing water and food color formed, new substance is formed and this is irreversible. Next is seventh, food molding, that is rotting. So rotting mein sadti hai koi cheez, so it means new substance is formed, you will write formed and irreversible. Next eighth, this is writing on a paper. No new substance formed. You will write not formed and irreversible change. वापस उसको हटा नहीं सकते हम. ठीक है? Next is ninth, grating cheese. चीज को हम grate कर रहे हैं. उस केस में सिर्फ उसका शेप चेंज हो रहा है, साइज चेंज हो रहा है. बट न्यू सब्सटांस फॉर्म हो रहा है? नो. सो यू विल राइट नॉट फॉर्म्ड एंड इरिवर्सिबल. वापस उसे हम वैसा नहीं कर सकते, दैट इज इरिवर्सिबल. टेंथ, टियरिंग अ पीस ऑफ एल्यूमिनियम फॉयल, दिस इज नॉट फॉर्म्ड एंड इरिवर्सिबल चेंज. गॉट इट? सो नेक्स्ट इज डी पार्ट, ट्रू एंड फॉल्स. फर्स्ट वन इज अ पोटैटो रिमेन्स अ पोटैटो इवन आफ्टर इट इज कुक्ड, हेंस कुकिंग इज अ फिजिकल चेंज, इज इट सो? कोई भी अगर हम वेजिटेबल्स को कुक करते हैं तो उसका केमिकल कंपोजिशन स्टूडेंट्स चेंज हो जाता है. ठीक है? क्योंकि हम उसको कुक कर रहे हैं. जो रॉ है दैट इज डिफरेंट वन एंड कुक्ड इज डिफरेंट वन. सो वी विल से दैट दिस वन, दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स. सेकेंड इज अ केमिकल चेंज इज ऑलवेज इंडिकेटेड बाय बबलिंग आउट ऑफ अ गैस. क्या हमेशा ऐसा होता है कि जब बबल होगा तभी केमिकल चेंज होगा या केमिकल रिएक्शन होगी? नो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. कई बार ऐसा भी होता है कोई गैस रिलीज नहीं हो रही होती है बट स्टिल देयर इज अ केमिकल चेंज. थर्ड, फिजिकल चेंज कैन नॉट बी रिवर्स्ड व्हाइल केमिकल चेंज कैन बी रिवर्स्ड. रॉन्ग, कंप्लीटली रॉन्ग. क्योंकि फिजिकल चेंज तो रिवर्स हो सकते हैं बल्कि केमिकल चेंजेस रिवर्स नहीं हो सकते. So this is false. Next, fourth is when a tire is inflated, a physical and an irreversible change occurs. Is it so? False. ऐसा नहीं है. This statement is false. Next, fifth, rotting of wood is a reversible change. Rotting leads to just spoiling of that particular material. So it is not possible to reverse into its original substance. That's why we will say that this statement is false and rotting is a chemical process, right? E part, complete the crossword with the help of clues provided. So first one is this type of change does not change the internal structure. Aisa kaun sa change hai jisse internal structure change nahi hota students? That change is physical change. And fourth में हमें क्या लिखना है यहाँ पे? It can convert a solid into liquid. Solid can be converted into liquid through heat.
ओके सॉलिड है सपोज आइस है उसको हम लिक्विड में चेंज करेंगे विद द हेल्प ऑफ हीट ओनली. नेक्स्ट इज फिफ्थ वन एंड दैट इज दीज आर द न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन. What we call them products. Next, in this process, water vapor changes into water. Water vapor change ho raha hai water mein. It means this is condensation. Okay, this was across and now down. Down mein first hai hamara this type of change is permanent. Permanent kaun se changes hote hain? Chemical changes. These are permanent. Second, deterioration of a material due to interaction with its environment. Deterioration means किसी भी चीज का degrade होना खराब होना. तो अगर environment के साथ कोई चीज interact कर रही है और वो खराब हो रही है it means what is that? That is corrosion. जैसे कि हमने iron के साथ देखा था कि iron जो है वो जैसे ही environment के touch में आ रहा है तो rust आ रही है उसमें. Okay? That iron is getting rusted. वो डिटेरिएट हो रहा है खराब हो रहा है सो दैट प्रोसेस इज रस्टिंग. ओके स्टूडेंट्स यू हैव टू डू एक्सरसाइज इन योर बुक ओनली एंड क्वेश्चन आंसर्स इन योर नोटबुक. ओके फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू राइट डाउन न्यू वर्ड्स एंड देन यू हैव टू स्टार्ट क्वेश्चन आंसर्स. ऑल राइट थैंक यू.